सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑन नोटिफिकेशन पर क्लिक करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ट्रैकिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं व्हाट्सएप के माध्यम से MP3 सॉन्ग भेजने की एक ज़बरदस्त ट्रिक के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिंपली अपने फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है, जहाँ पर भी आपने MP3 सॉन्ग रखे हों उस फोल्डर में चले जाना है। तो चलिए मैं फाइल मैनेजर के अंदर फोल्डर में चला जाता हूँ। यहाँ पे मैंने माई म्यूजिक का एक फोल्डर बना रखा है, आप देख सकते हैं इसमें कई सारे MP3 सॉन्ग फोल्डर के अंदर हैं हमारे। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ आप लोग करते क्या हैं। एक एक करके व्हाट्सएप पे आप MP3 सॉन्ग भेजते हैं, तो दूसरे व्यक्ति के पास अगर 10 से 20 सॉन्ग चले जाते हैं तो वो एक एक करके डाउनलोड करता रहता है, जिससे कि उसका टाइम काफ़ी बर्बाद होता है। तो इसका तरीका दूसरा ये है कि जिनको भी भेजना है टिक मार करो आप, उसके नीचे एक मोर का ऑप्शन दिख जाएगा। मैं रेडमी का फ़ोन यूज करता हूँ, तो इसमें एक मोर के अंदर कॉम्प्रेस का एक ऑप्शन है, हो सकता है आपके मोबाइल में ना मिले। कॉम्प्रेस में जाके जिप फाइल में इसको कन्वर्ट करना है, जो 2 MP3 सॉन्ग मैंने लिया है इसको जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अगर आपके मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं आता तो आप प्ले स्टोर से जिप एप्लीकेशन बनाने का कोई डाउनलोड कर लीजिए, जिससे फाइलें जिप में बन जाए। उसके नीचे आप देख सकते हैं ये जिप फाइल हमारी बन चुकी है। अब इस जिप फाइल को हमें सिंपली सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे। चलिए मैं लाइव पूरा दिखा रहा हूँ आपको। जिस भी व्यक्ति के पास आपको भेजना है, इस तरीके से आप भेजें तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और दूसरे व्यक्ति के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए जिप फाइल अभी जा रही है, आप देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा हम यहाँ देख लेते हैं, इसको जाने देते हैं। चलिए ये पहुंच गई है। अब मैं दूसरे व्हाट्सएप में आ चुका हूं। इसी मोबाइल में मैं दो दो व्हाट्सएप चलाता हूं, तो इस फाइल को सिंपली डाउनलोड करता हूं। आप देख सकते हैं सेम वही फाइल है, उतने ही MB की है और उसी नेम से भी है। आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो रही है फाइल हमारी। चलिए इसको थोड़ा डाउनलोड होने देते हैं, बस डाउनलोड होने ही वाली है। ये डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद सिंपली इसको क्लिक कर देना है, उसके बाद कॉपी टू का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ चलिए मैं फाइल मैनेजर के SD कार्ड में इसको पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं नीचे ये जिप फाइल का फोल्डर आ चुका है। उसके बाद एक्सट्रैक्ट हेयर कर देंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। ये ऑलरेडी दिखा रहा है क्योंकि माई म्यूजिक के और भी फोल्डर मैंने बना रखे हैं, इसीलिए दिखा रहा था। उसके बाद आप देख सकते हैं माई म्यूजिक का फोल्डर यहाँ पे आ चुका है और जो मैंने जिप फाइल भेजी थी उसके अंदर 2 सॉन्ग थे, यहाँ पे मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पे दोनों MP3 सॉन्ग फोल्डर के साथ में देखने के लिए मिल गए हैं मुझे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ में। जय हिंद, जय भारत।